प्रदेश सरकार के परामर्श के बाद आज से हम लोगों ने जो कर्फ्यू का इलेक्शन पीरियड का टाइम 7 से 10 रखा था, तो उसका सभी हम लोग की सभी सब डिविजन्स में लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से पालन किया। और जो कर्फ्यू के पीरियड के टाइम में जो जिस पर्पज़ के लिए इलेक्शन दिया गया था, उसमें जो एसेंशियल आइटम्स की खरीदारी है, सब्जियां हैं, दूध पनीर है, या मेडिसिन हैं, जितने भी आइटम्स स्टोर होते हैं, सभी लोगों ने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो मिनिमम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके उसका पालन किया। और लगभग 450 कुंटल के आसपास मीरपुर में बाहर से सब्जियां आई, और उनका सभी जो सब डिविजन्स हैं डिफरेंट जगह पर, वहाँ हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। एमसी एरिया में डोर टू डोर हमें सप्लाई करने का था सिस्टम, मैंने भी 10 गाड़ियाँ लगवाई थी। हम लोगों ने आज चेक भी किया, उसमें हम कुछ हद तक पार्शली सक्सेसफुल रहे। और जो ऑनलाइन डिमांड प्लेस करने का था, जिसमें हम लोग NIT मीरपुर का भी सहयोग ले रहे थे, उसमें हमारे काफ़ी सीनियर फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं, वो प्लेटफॉर्म भी आज रेडी है, उसको हम लोग आज शेयर करेंगे। उसमें आप अपनी ऑनलाइन डिमांड भी पुश कर सकते हो। हमने जो MC मीरपुर और डिफरेंट सब डिविजन्स पे जो वार्ड वाइड डाटा था वो कलेक्ट किया है, उसमें लगभग 5,000 के आसपास फैमिली जा रही है, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, कुछ फ़ोन नंबर होते हैं कि आउटडेटेड हो गए, उनको करेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और हमने पिछले कल 2 वार्ड्स में कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की थी, हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी उसमें समझ में आई, हो सकता है नंबर किसी का घर में जेंट्स का हो, सब्जियों की डिमांड्स फैमिली में किसी अगर वो प्लेस करने में, इस तरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं उसमें। तो होपफुली इसमें हम लोग जो डोर टू डोर डिलीवरी करने का जो हमारा प्रयास है स्टैंडर्ड पैकेज बनाने का, उसमें हम लोग मूव कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि 100% सक्सेसफुल रहे, लेकिन वी आर ट्राइंग, एंड इस हफ्ते के अंदर इसको स्मूथ कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो